जिस जोश और जज्बे के साथ आपने हमारा इस्तकबाल किया है, कोई आपका जोश से, कोई आपका मोहब्बत से मुकाबला नहीं कर सकते, और ये हम कभी नहीं भूलेंगे। आपने उन जालिमों को पैगाम भेजा है, जालिमों देखो आपने लटका दिया, आपने हमारा नाम को तख्ते दार पर लटका दिया, मगर बदस्तान का हर बुजुर्ग अब मेरा नाम का किरदार अदा कर रहा है। जालिमो देखो आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया, अगर गिलगित बल्तिस्तान के औरतों में वादा के दार आज भी अदा कर रहे हैं, भुट्टो का बेगम भुट्टो का परचम था के आगे लेके चल रहे हैं। साथियों, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसी मेहदीआबाद में खड़े होकर आपका गंदम सब्सिडी का ऐलान किया, और आज तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की गंदम सब्सिडी की वजह से गंदम खा रहे हैं। इसी मेहदीआबाद में खड़े होकर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पेट्रोल का सब्सिडी ऐलान किया था, आज तक यहाँ के अवाम उसका फायदा उठा रहे हैं। इसी मेहदीआबाद में खड़े होकर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐलान किया था कि हम घास खाएंगे मगर हम एटम बॉम्ब बनाएंगे, और आज तक अगर पाकिस्तान के सरहदों महसूस है, अगर आज तक हमारी फौज भारत के फौज पे आंखों से आंख डालकर ललकार कर सकते हैं, तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का एटम बॉम्ब का तोहफा की वजह से। और आप शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन को हमें आगे लेके चलना है, तो आज बिलावल भुट्टो सरदारी आपका मेहदीआबाद में खड़ा होकर ऐलान कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को हम यानी आईनी सूबा बना के रहेंगे इंशाल्लाह। ये वादा ये कोई नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ एक बार और देना है, आप मेहदीआबाद के अवाम ने, गिलगित बल्तिस्तान के हर जिला का अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक दफा और देना है। हमें तारीखी मैंडेट चाहिए, हर असेंबली सीट से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जितवाना है, ताकि हम पूरी दुनिया को पैगाम दे, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पैगाम दे कि ये जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है, जो पीपल्स पार्टी का वादा है, ये गिलगित बल्तिस्तान का हर एक जिला का बताना है, हमें जमहूरियत दो, हमें आईनी सूबा दो, हमारे अपना हक दो। साथियों, जब तक आपको अपना ये हक नहीं मिलेगा, तब तक हम पूछते ही रहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बेरोजगार क्यों है, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान बेरोजगार क्यों है। जब तक आपको ये हक नहीं मिलेगा, हम पूछते ही रहेंगे कि यहाँ मेहदीआबाद में एक कॉलेज भी क्यों नहीं है। हम पूछते ही रहेंगे कि इस सेहत के इदारे क्यों नहीं है। जब तक आपको ये हक नहीं मिलता, जब तक आप इस मुल्क के वजीर आजम के फैसले खुद नहीं करेंगे, जब आप इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले, जब तक आप इस मुल्क के
बल्तिस्तान के अवाम के मसाइल हल क्यों नहीं होते? अगर हमने यहाँ के महरूमी दूर करना है, यहाँ पर पसमानदगी को, यहाँ का बेरोजगारी को खत्म करना है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है। वो इसलिए कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख है कि अगर रोजगार मिलती है तो पीपल्स पार्टी से मिलती है, किसी और जमात में रोजगार नहीं दिया है। चाहे वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर हो, शहीद जुल्फिकार भुट्टो ने लेके गवादर तक नौकरियों का बंदोबस्त किया था, रोजगार का बंदोबस्त किया था। पाकिस्तान में ऐसे इदारे खड़े किए जिससे रोजगार के मौके पैदा हो। वो हमारा कराची का स्टील मिल हो जो आजकल इमरान खान बंद करना चाहता है, या हमारा हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इदारे खड़े किए ताकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहाँ नहीं रोका, भुट्टो शहीद ने पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी के लिए मुफ्त पासपोर्ट का भी बंदोबस्त किया था ताकि अगर यहाँ रोजगार के मौके नहीं मिलते तो बहरूने मुल्क जाके रोजगार कमा के अपना खानदान का ख्याल रख सके। और मैं आपको बताऊं, आज तक वो खानदान बाहर रोजगार कमा रहे हैं और अपना घर को खिला रहे हैं। ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मेहनत होता था अपने अवाम को रोजगार दिलवाने के लिए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए मशहूर थी कि बेनज़ीर आएगी रोजगार लाएगी। शहीद बीबी ने ना सिर्फ नौजवानों को, ना सिर्फ मजदूरों को रोजगार दिलवाया था, मगर इस मुल्क के औरतों के लिए भी रोजगार की बंदोबस्त की थी। शहीद बीबी ने पूरी मुल्क में जो लेडी हेल्थ वर्कर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, उसकी वजह से हर गांव में, हर गोट में किसी न किसी खातून को रोजगार भी मिला। वो अपने घर को भी मदद कर रहे हैं और साथ साथ आपका सेहत का ख्याल रख रहे हैं। हमें तो इस किस्म का इंकलाबी मंसूबे चाहिए जो रोजगार भी देता है, पूरा खानदान को मदद दिलवाता है। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो इस किस्म का काम कर सकती है। चाहे वो इंकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो जिसकी वजह से आज तक इस मुल्क के गरीब से गरीब तरीन औरतें को मदद मिल रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंसूबा है। इसमें वसीले सेहत भी था, वसीले तालीम भी था। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप फिर से मौका देंगे तो इंशाल्लाह ताला हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी बढ़ाएंगे और इस किस्म के और भी मंसूबे लेकर आएंगे। साथियों, अगर हमने यहाँ का बेरोजगारी का खात्मा चाहिए तो हमने ना सिर्फ रोजगार के मौके पैदा करना पड़ेंगे, मगर हमने तालीम पे जोर देना है। और हर सूबा में आप उठा के देखें, हर सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा जोर तालीम पे दिया है। सबसे ज्यादा तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस अगर खड़े किए गए हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो या पख्तूनख्वा हो या सिंध हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हॉस्पिटल्स खड़े किए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज खड़े किए हैं। आज तक इनाम को 7 साल मिला है पख्तूनख्वा में, 2 साल मिला है पाकिस्तान में, पंजाब में एक नया यूनिवर्सिटी, एक नया हॉस्पिटल का क्याम नहीं हुआ है। खान ने तो हर वादा पे यू टर्न लिया है, हर इलेक्शन से पहले एक नया झूठ के साथ आ जाता है। आपको तो पता है कि ये तो सूबा बनाने आए नहीं, हकूक दिलवाने, जमहूरी हकूक दिलवाने, ये तो हमारा 2018 का मंशूर का हिस्सा है। लेकिन इमरान ने भी, जबकि इमरान ने इस पोजीशन का मुखालफत की है, आज तक उसका रिव्यू पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनका हक ना दिया जाए। इमरान खान का 2018 का मंशूर है, उस मंशूर में आपकी कोई बात भी नहीं की गई, मगर आपका इलेक्शन आ रहे थे तो खान साहब ने भी आपके लिए एक लॉलीपॉप का सोचा है। खान साहब ने एक गिलगित बल्तिस्तान के लिए लॉलीपॉप तैयार किया है कि वो आपको अभूरी सूबा देंगे। इसमें जो कितना सच है आप खुद समझ सकते हो। पूछना चाहते हो तो जुनूबी पंजाब से पूछे,
पूछना चाहते हो तो मुल्तान और भागलपुर से पूछे। 2018 के इलेक्शन से पहले खान ने सूबा का लॉलीपॉप दिखाया था, मगर आज तक ना उनको अपना सूबा मिला है, ना उनका कोई काम, ना उनका कोई काम हुआ है। जो भी वादा खान ने किया था, वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, उल्टा आज करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वादा किया था 50 लाख घरों का, एनक्रोचमेंट के नाम पे गरीबों के सर से छत भी छीन रहा है। आप उनका झूठ, उनका धोखा में ना आए। हमने ना सिर्फ आपको हकूक दिलवाना है, ना सिर्फ आपका मुआशी मुस्तकबिल को सही सिमत पे लेकर आना है, ना सिर्फ यहाँ तालीमी इदारे, सेहत के इदारे कायम करना है जहां आपको मुफ्त इलाज मिल सके, मगर हमने इमरान से आपको बचाना है, बल्तिस्तान को, गिलगित बल्तिस्तान को कठपुतली राज से, सिलेक्टेड राज से बचाना है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बचाना है, वरना आपका मुस्तकबिल वही होगा। आप देख रहे होंगे कि इस्लामाबाद में कितने एहतजाज आजकल हो रहे हैं, सारे के सारे सरकारी मुलाजिम सरापा एहतजाज है। वही लेडी हेल्थ वर्कर्स जिस प्रोग्राम शीन मोहतरमा बैनर्जी भुट्टो ने शुरू किया था, वो भी सरापा एहतजाज है, मजदूर सरापा एहतजाज है, किसान सरापा एहतजाज है। ये तब्दीली नहीं, ये तब्दीली नहीं, तबाही है। और हमने गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को इस तबाही से बचाना है, गिलगित बल्तिस्तान को तब्दीली का तबाही से बचाने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, एक ही जमात है जो यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल बचा सकता है, और वो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का आपका नुमाइंदा वजीर वकार साहब है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आप हमेशा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ देंगे, पीपुल्स पार्टी का कैंडिडेट मुंतखब करवाते हो, इस बार फिर आप पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ देंगे, आप तीर के साथ देंगे, आप वजीर वकार साहब को मुंतखब करवाएंगे ताकि हम साथ मिलके यहाँ का मसाइल हल कर सके। आपने आपने हमारा सफाई बनकर घर घर जाना है, घर घर जाना है और वोट निकालना है। मेरा नौजवानों से अपील है, औरतों से भी अपील है, बड़ा तादाद में 15 नवंबर को बाहर निकल के तीर पर थप्पा लगा के गिलगित बल्तिस्तान को बचाए। जो वादा फुटो शहीद ने आपसे किया था, जो ख्वाब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने आपके आपके बच्चों के लिए देखा था, मुझे मौका दे, मैं उन ख्वाब को मुकम्मल करना चाहता हूँ, उनका वादा मुकम्मल करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ देते हो तो कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकते, हम आपका सारे के सारे मिसाइल इंशाल्लाह ताला हल करेंगे। जिए भुट्टो। मास्क के लिए।